बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर फजल और आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने लगे हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, इसकी एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाई हुई है। इंशाल्लाह जब मैं उसको रन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फॉर स्टैक्स को। स्टैक्स बेसिकली ऐसे ही है जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा भी था शायद थोड़ा बहुत, लाइफ ऑफ फाइफो के बारे में, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में भी बेसिकली एक स्टैक वर्ड यूज़ होता है। जो स्टैक वर्ड यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल, इसकी एक इजी एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक आप लोग एक डिश वॉशर है, फॉर एग्जांपल डिश वॉश कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वो डिश क्या रख रहे हैं, फर्स्ट पहले एक रखी प्लेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ। अब टेंथ तक आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को क्या किया आपने, फॉर्म किया टेबल पर, मतलब टेबल पर रखते गए, धो के रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए। अब मुझे बताएं कि जब आप प्लेट उठाएंगे तो आप नंबर वन वाली प्लेट उठाएंगे या नंबर टेन वाली उठाएंगे? आप लोग जनरली नंबर टेन वाली उठाएंगे, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वहाँ पर पड़ी हुई है। मगर अगर आप रखते हुए सोचें तो आप लोगों को पता होगा कि आप जब प्लेट्स रख रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे कि टेंथ वाली जो थी प्लेट वो आपने लास्ट पे रखी है, मगर जब आपने उसको उठाया तो वो फर्स्ट पे आपने उठाई है। तो बेसिकली यही है कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट। अब यहाँ पर देखें, टू अंडरस्टैंड हाउ C++ परफॉर्म्स फंक्शंस कॉल्स, वी फर्स्ट नीड्स टू कंसिडर अ डाटा स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, डाटा स्ट्रक्चर नोन एज स्टैक। बेसिकली फंक्शंस को कॉल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एक डाटा स्ट्रक्चर की यूज़ होती है जिसे हम स्टैक कहते हैं। ठीक है ना, अब इसकी एक एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्या है, थिंक ऑफ स्टैक। अब बेसिकली यहाँ पे वो आपको एक मिनट देना, मैं आपको ना साथ साथ एक एग्जांपल, ये ठीक है, ये एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो। तो यहाँ पर देखिएगा, ये चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन अ डिश इज प्लेस्ड ऑन द पाइल, इट्स नॉर्मली प्लेस्ड एट द टॉप, रेफर टू एज पुशिंग द डिश ऑन टू द स्टैक। अब बेसिकली ये एक जस्ट आपको एक मतलब कह सकते हैं बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब डिश वॉश करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डिश रखी, देन पुश करके दूसरी रखी, देन पुश करके तीसरी रखी, देन पुश करके चौथी रखी। आप लोगों को शायद पता नहीं कि जो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट हैं उनमें क्या होता है कि वो डिशेस को ऐसे प्लेस करते हैं, तो जब डिश फर्स्ट नंबर वन जो लास्ट में हमने रखी है उसको हम उठाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके बीच में स्प्रिंग्स होते हैं या उसकी कुछ होता है, कोई वैक्यूम से लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, पुश करता है प्लेट्स को ऊपर, तो वन बाय वन वो प्लेट्स ऊपर निकलती सारी बाहर निकल आती हैं। ठीक है, ना कि पूरा हाथ बीच में डालें उसके और लास्ट प्लेट को निकालें, उससे अच्छा है कि उसके बीच में एक स्प्रिंग्स टाइप लगे होते हैं, तो आप पुश कर करके रखते जाते हैं प्लेट्स। एट द एंड वो जब आप फर्स्ट वाली उठाते हैं तो वो लास्ट वाली जो सेकंड लास्ट है वो लास्ट हो जाता है, इस तरह वो ऊपर ऊपर आता जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रेफर टू एज पुशिंग द डिश ऑन द स्टैक, ऑन टू द स्टैक। बेसिकली अब ये क्या कह रहा है कि डिश को स्टैक में पुश करना है, पुश करना मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। सिमिलरली व्हेन अ डिश इज रिमूव्ड फ्रॉम द पाइल, इट्स नॉर्मली रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, रेफर्ड एज पॉपिंग। बेसिकली इसमें दो है, पुशिंग एंड पॉपिंग। पहले आपने पुश करके प्लेट्स को रखा गया, रखा स्टैक में, सेकेंडली जब आपने उसको निकाला तो वो क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है, पॉपअप ही हो रहे हैं ना आप, पॉपिंग हो रही है हमारी जो डिश हमने निकाल लेते हैं। दी डिश ऑफ दी स्टैक, दी स्टैक आर नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। आपको पता चल क्या होगा कि लास्ट इन मतलब पुश करते करते टेंथ वाली लास्ट पे रखी थी और हमने जब टेंथ वाली डिश को उठाना है तो वो फर्स्ट पे हमने उसको उठाना है। द लास्ट आइटम पुश ऑन द स्टैक इज द फर्स्ट आइटम पॉप फ्रॉम द स्टैक। बेसिकली यहाँ पर आप देख लें कि जो लास्ट आइटम आप लोग निकाल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट पे जो हम लोग आइटम निकालेंगे वो हम लोगों ने फर्स्ट किया होगा, मतलब फर्स्ट प्लेट जो थी, नंबर वन प्लेट जो थी हम लोगों ने वो फर्स्ट में क्या की, वो रखी स्टैक के अंदर। समझ आ रही है मेरी बात की? अब अगर हम उसे जब निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट पे निकाल रहे हैं। तो ये एक स्टैक का फिनोमेना है जो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये स्टैक की एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ये कुछ रीड आउट्स है, स्टैक ओवरफ्लो कब करता है। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो, ऑफकोर्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज फिनाइट एज सो ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ
memory can be used to store activations, records, and the on the function call stack. If more function call occurs than can have the activation record stored on the function call stack. अब बेसिकली यहाँ पर अगर वो आप लोगों के पास फंक्शन अब स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है, स्टैक ओवरफ्लो कैसे कर रहा है, स्टैक ओवरफ्लो कैसे कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो फिनाइट होती है, फिनाइट मतलब वो भी ख़त्म होने वाली होती है, और अगर आप स्टैक में इसी तरह स्टैक में चीज़ें रखते जाएँ और वो एट द एंड उसकी मेमोरी फुल हो जाए तो वो क्या कहेगा कि स्टैक इज़ ओवरफ्लो, वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है। इंशाल्लाह हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो कैसे करता है। तो अब नेक्स्ट वहाँ पर वो क्या कह रहा है, स्टैक अंडरफ्लो होता है, एक ओवरफ्लो होता है, एक अंडरफ्लो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जब आपने प्लेट्स रखना स्टार्ट की हैं, ठीक है, तो आपने उसमें कोई प्लेट रखी नहीं है और आप कहते हैं जी मुझे प्लेट चाहिए, तो वो प्लेट आपको देगा, तो वो क्या कहेगा इस मार्जिन पे वो क्या आपको शो करेगा, स्टैक अंडरफ्लो है जी, कि स्टैक में कोई चीज़ ही नहीं है और आप कॉल कर रहे हैं उसे और वो आपको हम प्रोवाइड नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये बेसिकली एक प्रोग्राम उन्होंने बुक से दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या लिखा हुआ है, इंट इक्वल्स टू 10 कर लिया, इंट ए इक्वल्स टू 10 कर लिया, अब लिखा हुआ है ए का स्केयर, तो यहाँ पर देखें इंट स्केयर इंट एक्स, और देन उसने क्या किया रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। बेसिकली यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि जब उसका स्केयर लेना है तो हम लोगों ने क्या किया इंट स्केयर इंट एक्स, जो इंट एक्स है हमारे पास उसमें रिटर्न करवाना है हमने, जो वो हमारे पास वैल्यू क्या हो उसकी डबल हो, क्योंकि आपको पता है स्केयर क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। अब वो स्केयर कैसे डबल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 लिया है तो 10 का जब आउटपुट शो करेगा तो हमारे पास क्या होगा 100 होगा। और यहाँ पर ये देख लें, ये एक छोटा सा इस बताया हुआ ना एक्टिवेशन कैसे वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देख लें, टॉप ऑफ द स्टैक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इंट मेन, ये हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रिकॉर्ड वेरिएबल दे लिया 10, ठीक है। देन यहाँ पर देखें ऑपरेटिंग सिस्टम है रिटर्न लोकेशन R1, और यहाँ पर इंट मेन देन दिस इंट ए इक्वल्स टू दिस स्केयर इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अभी आउटपुट में बेसिकली उसने शो करना था और उसने यहाँ पर इसको क्या किया डबल्ड किया और आपको आउटपुट में शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ दैट। यहाँ से एक और इजी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखें ज़रा। यहाँ पर देखें मैंने क्या बनाया प्रोग्राम, बेसिकली मैंने एक स्टैक के ऊपर प्रोग्राम बनाया। स्टैक के ऊपर कैसे प्रोग्राम बनाया कि मैंने आप लोगों को जस्ट क्या दे दिया है, नंबर्स दे दिए हैं, अब मैंने यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एक स्टैक बेसिकली प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें इसको फ़िलहाल आप रहने दें, इसको मैं बाद में क्लियर करता हूँ आपको कि ये कैसे टॉप और कैसे आ रहा है। यहाँ पर फ़िलहाल देखें आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैक इंट एस, एस डॉट पुश 10, एस डॉट पुश 30, देन पुश देन पुश देन पुश देन पुश, ठीक है। आगे सी आउट उसने क्या किया, दिस स्टैक इज दिस शो स्टैक एस, ठीक है। सी आउट में उसने आगे क्या ले लिया आपको, आगे उसने दे दिया है जी यहाँ पर ये न्यू लाइन उसने ऐड की है डॉट साइज डॉट टॉप डॉट पॉप। अब यहाँ पर ये तीन चीज़ें कैसे परफॉर्म करती हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर एक दफ़ा इसको भी देख लें, यहाँ पर लिखा है वाइल एस डॉट एम टी नॉट इक्वल्स टू एम टी सी आउट, ये क्या है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पर डॉट टॉप, बेसिकली टॉप वो कह रहा है, ठीक है, टॉप यूज़ कर रहा है, फिर डॉट पॉप यूज़ कर रहा है। अब इसमें ना दो तीन फीचर कह सकते हैं स्टेप्स उसने यूज़ किए हैं, एक टॉप का एक पॉप का, और सेकंडली वो पॉप जो आपको स्टैक में कैसे शो होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला वो भी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इसके आउटपुट को, मगर आप बेसिकली यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने क्या किया है, टॉप वाली वैल्यू देखनी है, पॉप देखनी है वैल्यूज, और हम लोगों ने क्या लिखना है, इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है। बेसिकली इन्वर्स कैसे होगा कि जो फर्स्ट इन था वो लास्ट आउट होगा और जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ पर ये देखें
अभी यहाँ पर आपको शो हो रहा है, देखें दी स्टैक इज 1, 5, 20, 30, 10, ठीक है, हमारे पास स्टैक की ये वैल्यूज हैं। नेक्स्ट वो देख लें, यह हमारे पास क्या दे रहा है कि हमारे पास साइज क्या है, 5 वैल्यूज हैं, ये देख लें 5 वैल्यूज है। और टॉप पे क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, ये देख लें ये 1 यहाँ पर आ रहा है। अब पॉप पॉप जब किया है तो यह देखें 5, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 10, ठीक है ना, ये जो लास्ट इन था वो क्या हो रहा है, फर्स्ट आउट हो रहा है। और पॉप हमारे पास वैल्यूज क्या हो गई हैं, प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ये यहाँ पर भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये देखें फर्स्ट 10 वैल्यू थी, फिर 30 वैल्यू ली थी, फिर 20 वैल्यू ली थी, फिर 5 वैल्यू ली थी, फिर 1 वैल्यू ली थी। अब यहाँ से ही आप इसको देख लें, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि जो लास्ट इन होगा उसको फर्स्ट आउट करना है। तो यहाँ से देखें, ये जो पुश है 1, यहाँ पर देखें आप लोग, ये जो पुश 1 है, ये देखें यहाँ पर स्टैक में क्या आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, देन मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, देन 20, देन 30, देन 10, देन क्या आ रहा है हमारे पास, 30, देन 10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसका साइज मैंने फाइंड आउट करना था कि क्या साइज होगा स्टैक का। तो स्टैक का साइज देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 ही मेंशन है, देख लें विशाखापुर भी। नेक्स्ट, अब मैंने टॉप और पॉप वैल्यूज को चेक करना था, पहले टॉप देखते हैं, ठीक है। टॉप वैल्यूज क्या है मेरे पास, कि फर्स्ट टॉप वैल्यूज और देन पॉप कहाँ से होना शुरू किया, उसने 5 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टॉप वैल्यूज में वो लिख लिया हमने, तो हमें अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 5 जो होता है वो पॉप में आ जाता है, 5 क्या हो जाएगा, वो पॉप में आ जाएगा, देन 20, देन 30, देन 10, यहाँ पर ये देख लें, ये स्टैक क्या हो गया, वर्किंग हो गई। ये एक ईजी एग्जाम्पल है, अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको खुद रन करके देखें एक दफ़ा प्रोग्राम को, अगर नहीं समझ आती फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मगर आप कम पेश इस प्रोग्राम को रन करके देखें। आपके लिए मैं 2 मिनट स्क्रीन को रोक लेता हूँ ताकि आपको पॉप साइज़ के समझ आ जाए कि कैसे हमने फाइंड आउट किया। अगर आप नोट करके यही एग्जाम्पल अगर करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें ताकि आपके फाइनल्स की तैयारी अच्छी हो जाए। यहाँ पर देखना, ठीक हो गया, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया प्रोग्राम का तो मैं अब नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ी देर टाइम रख दिया करें ताकि हम स्क्रीनशॉट सही तरह ले लें। वैसे एक बात है कि स्क्रीनशॉट के लिए आपको रोकना नहीं पड़ता, आप वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा जी देखें, आज हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास स्केयर वाली, जिससे हमने स्केयर रूट फाइंड किया था, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या प्रोवाइड की गई थी, स्टैक वाली, जो मैंने आपको बताया कि कैसे पॉप करना है, कैसे आप नंबर ऑफ मतलब आइटम्स इन स्टैक मतलब काउंट कर सकते हो, और उसी स्टैक को आप लोगों ने पुश भी करना है और पॉप भी करना है, और ये रिवर्स में कैसे आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें और भी होते हैं काफी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग देयर। फंक्शन विद एम्प्टी पैरामीटर्स लिस्ट, बेसिकली फंक्शन विद एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट की बात, एग्जांपल्स वो दे रहा है, यहाँ पे आपने इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इनलाइन फंक्शंस को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।